सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। भाई आज हम करने जा रहे हैं मतलब पेंटिंग को सेव कैसे करते हैं, मतलब पोर्ट्रेट बना लिया उसके बाद मतलब रेसिन के पेंटिंग से मैं सेव करती हूँ, रेसिन के मिक्स से, रेसिन और हार्डनर। अब ये रेसिन मैंने लिया है, हार्डनर लिया है, एक प्लास्टिक कप लिया है, एक सब लोग सब कुछ प्लास्टिक का यूज़ करना है। तो मैं मिक्स करूँगी 2:1 रेशियो पे, तो आप 2:3:2 भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हार्डनर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा हार्ड होगा और सूखने में भी टाइम लगेगा। तो अभी क्या करना है, अभी इसको मैंने 6 स्पून लिया है रेसिन और उसके बाद लिया है 3 स्पून हार्डनर या और अब मैं 3 हाफ 3 ऐसे लेती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। और आप एडजस्ट कर लें, थोड़ा ज़्यादा कम होना चाहिए। नॉर्मली लोग मतलब नाप कर लेते हैं पर भाई नापने वाला मशीन थोड़ी ना रखा है हमारे घर पे अभी, तो ऐसे ही काम चलना पड़ता है। ये बहुत ही परफेक्ट होता है आपके हिसाब से। और अभी मतलब बेस बना रही हूँ तो थोड़ा मतलब रेसिन नीचे गिर जाता है, इसीलिए नीचे पेपर डालकर उसमें थोड़ा मतलब हाइट पे जैसे रहेगा पेंटिंग उसके हिसाब से रख के अभी उसके ऊपर रेसिन डालना। ठीक है, मिक्स जो हमने किया था रेसिन और हार्डनर का मिक्स डालकर अभी इसको क्या करना है, आपके पास अगर फ्लैट वाला कोई कार्ड है कुछ है उसके ऊपर वैसे मतलब एडजस्ट करना है, उसको स्लाइड करना है उसके ऊपर, ताकि रेसिन का जो मिक्स है वो अच्छे तरह से इक्वली पेंटिंग के ऊपर अच्छी तरह से चले जाए। करेक्ट, तो मेरे पास वो कार्ड था पुराना वाला ये, और मैंने उसको यूज किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। इसमें ज़्यादा रेसिन का मिक्स भी मतलब नॉर्मली वीडियो पे दिखाते हैं मतलब रेसिन मिक्स गिर जाता है, मतलब साइड साइड से निकल जाता है जो कि वेस्ट आता है। तो आप इस तरह से रेसिन का मिक्स जो है कम यूज करके उसको अच्छे तरह से पेंटिंग को मतलब रख सकते हैं। तो इसलिए कार्ड की मदद से मैंने इक्वली हर जगह पे मिक्स कर दिया है, मतलब सब जगह पे इक्वली डिवाइड हो चुका है रेसिन। और ये सूखने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। अभी इक्वली मिक्स हो गया है सब कुछ है, मतलब नॉर्मल जो पेंटिंग होता है उसके हिसाब से मतलब ये मिक्स डालने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब शाइनिंग मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक नॉर्मल बाइंडिंग जैसे करते हैं उसी टाइप का लग रहा था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।